दिना विच हुंदा जे विकास देखना रंगले पंजाब नू जे खास देखना दिना विच हुंदा जे विकास देखना रंगले पंजाब नू जे खास देखना देख ले ओ दिना विच हुंदे होए कमाल नू ओ इक मौका देना आपा केजरीवाल नू इक मौका देना आपा केजरीवाल नू भई इक मौका देना भगवंत मान नू इक मौका देना भगवंत मान नू इस खुशी का इजहार और कहाँ कहाँ करना चाहेंगे आप? खुशी का पूरा राजस्थान के साथ में पूरे देश में हम चाहेंगे कि जितने भी पंजाब में सरकार बनी है सरकार बनेगी और केंद्र में मेरा आम आदमी पार्टी आएगी और केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेगा। इतने बहुमत से जो पंजाब के अंदर आपकी आम आदमी पार्टी जो जीती है इसके बारे में आप बताइए, इतने बहुमत आए कैसे? इस बार जनता ने बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर अपना मतदान किया है। देश के अंदर आप किसी भी राज्य के अंदर देख लीजिए बिजली की रेटें क्या चल रही है, पानी की रेटें क्या है, शिक्षा के अंदर प्राइवेट स्कूलों ने अपनी मनमानी और लूट कर रखी है। जो सरकारी स्कूलों के अंदर दिल्ली जो मॉडल है अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है वो मॉडल के ऊपर वोट पड़ा है और इसमें आम गरीब जनता की जीत हुई है। ये जीत एक आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये भारत के हर गरीब नागरिक की जीत है। और साथ ही अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि पूरे भारत के अंदर पार्टी का प्रचार प्रसार किया जाएगा और हर राज्यों के अंदर इलेक्शन को फाइट किया जाएगा कि आम आदमी की जो आप बात उठाएगी, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, महंगाई की बात हो, नोटबंदी की बात हो, GST हो, आम गरीब तबका इतना दबा हुआ है। किसान आंदोलन के समय जो सरकार का रवैया था उसको देखते हुए भी वोटिंग हुई है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि आगे भी पार्टी अच्छे काम करे और इसी ढंग से पूरे भारत में अपना संगठन फैलाए जाए। मतलब पंजाब में जिस तरीके से ये जीत हुई ये अपन मान सकते हैं कि गरीब इतने मतलब परेशान होने की वजह से इतने बहुमत से ये आम पार्टी जी। हमारे जो साथी मित्र गए हैं जिन्होंने पंजाब में प्रचार किया है एक मिनट में जाके, उन्होंने बताया है कि वॉलंटियर्स ने अपने चने खा के टिफिन कम भोजन करके भी प्रचार किया है। बुजुर्ग महिलाओं ने वोट के लिए प्रचार किया है, बहनों ने प्रचार किया है और घर घर जाके कहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी को जिताना है। यूथ ने साथ दिया है और महिला वर्ग ने साथ दिया है क्योंकि जो इतनी जो महंगाई बढ़ी हुई है उससे लोग काफ़ी त्रस्त हैं। इसलिए इन लोगों ने घर से बाहर निकलकर डोर टू डोर कैंपेनिंग किया कि इस बार आम आदमी पार्टी को लाना है और पूरा मूड बना के किया, जबकि BJP कांग्रेस अन्य सारी पार्टियां पंजाब में एकजुट हो गई थी आम आदमी को हराने के लिए। लेकिन वो सब समझ चुके थे सत्ता के समीकरण को और इतना प्रचंड बहुमत दिया, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम वापस से उनको वो सारा काम करके दें, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करके काम करके दें। और इस खुशी के साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि आगे और क्या प्रक्रिया रहेगी और भी राज्यों में आगे पार्टी का जो भी टारगेट होगा वो अभी अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। इसके अंदर गुजरात, राजस्थान और भी कई राज्य हैं जहां पर आप पार्टी पूरा काम करेगी आने वाले 2-3 सालों के अंदर और आने वाले सारे चुनाव को फाइट किया जाएगा। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात, आम आदमी पार्टी के आज 7 सांसद और राज्यसभा में जाएंगे। उसके अलावा हर ये पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी भी बन चुकी है। एक दोहरी खुशी है ये हमारे लिए, ताकि नगर परिषद और नगर पालिका और इनके चुनाव भी अब हमें यहाँ पे राजस्थान के अंदर के सिंबल वगैरह मिलेंगे जिससे हम जल्दी जल्दी गाँव गाँव में जाकर प्रचार करके पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे। अगला टारगेट पार्टी का वो गुजरात और हिमाचल है, जो आने वाले अक्टूबर में चुनाव है। जो गुजरात के अंदर हमारा अच्छा खासा संगठन है, अभी हम नगर निगम के चुनाव में सूरत में 27 सीटें जीते हैं, हमारे अंदर एंट्री की है। अब आने वाले उसमें अक्टूबर महीने में चुनाव है, उसमें पूरा दम से पूरे जोर से लड़ेंगे और इस बार बताएंगे कि अगला मतलब विपक्ष क्या होता है। बीजेपी को मालूम है, कांग्रेस वालों को दोनों को मालूम चलेगा कि इस बार किसी पार्टी से पाला पड़ा है और इस बार जनता अपने मुद्दे पर वोट किया है। जाति धर्म से ऊपर उठ के जनता ने बिजली के मुद्दे पर वोट दिया है, जनता ने महिलाओं ने अपने 1000 के मतलब महीने के मुद्दे पर वोट दिया है, जनता ने